दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में ट्रू कलर यूज़ करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्रू कलर की चार सीक्रेट ट्रिक एंड हैक के बारे में। और चौथी जो हैक्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ट्रू कलर की, वो बहुत ही खतरनाक है और वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखते रहिएगा। तो चले गाइस, मैं आज यहाँ पर आपको पहली वाली ट्रिक बता देता हूँ ट्रू कलर की। जब भी दोस्तों हम जो है मैसेज करते हैं ना व्हाट्सअप में, आप जो है इस तरीके से हम व्हाट्सअप को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम अपने सेक्शन में जाते हैं, अपने यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, हेलो इस टाइप में हम कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, हेलो ब्रदर, ठीक है कैसे हो, इस टाइप में मैंने कुछ यहाँ पे मैसेज अपने फ्रेंड को कर दिया है। तो अब गाइस यहाँ पे मैंने ये सेंड कर दिया है आपके सामने पे। अब मुझे यहाँ पे इस मैसेज में कुछ यहाँ पे जो है ब्रदर की जगह अगर भाई लिखना था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो चुकी है। अब मुझे ये ज़रूरी था कि यहाँ पे मतलब इस मैसेज को हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मैसेज ओनली डिलीट ही होगा, अदरवाइज ये एडिट नहीं कर सकते हम इसे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन गाइस, अगर आप जो है पर्सनल चैट करते हैं किसी के साथ तो आप जो है ट्रू कलर का ओपन करिएगा। यहाँ पे एक ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप मैसेज के इनबॉक्स में आएंगे, यहाँ पे आपको ये वाला जो सेक्शन है ना यहाँ पे देख सकते हैं आप मैसेज का है ये, और यहाँ पे आप किसी के साथ भी अगर चैट करते हैं मैसेज में तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी कोई मैसेज सेंड करते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने एक मैसेज सेंड करूँगा, हेलो फ्रेंड कैसे हो, ये मैंने इतना टाइप कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं ये सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया है। अभी दोस्तों जो है यहाँ पे हम जो है फ्रेंड की जगह हमने करना था दोस्त करना था, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अभी हम इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे गाइज आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इसको एडिट मैसेज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम अभी फ्रेंड की जगह कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। तो इसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये बहुत ही कमाल की और मस्त ट्रिक है ये। यहाँ पे हम दोस्त, ये देखिए, तो अगले बंदे के पास यहाँ पे जो है ना यही मैसेज जाएगा जो कि हमने अभी यहाँ पे एडिट किया हुआ है, ठीक है। ये फीचर्स जो है अभी व्हाट्सएप में नहीं है, और जब व्हाट्सएप में ये आएगा तो ये इसकी अपडेट मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल ये मैं जो मैसेज एडिट का जो ये ट्रिक है ये ओनली यहाँ पर है ट्रू कॉलर में। तो इसका यूज़ आप करना चाहिए आपको, और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट ट्रिक की बात दोस्तों मैं अब यहाँ पे ट्रू कलर की करता हूँ। तो नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों यहाँ पे है, जब भी आप बिजी रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं या कहीं भी अगर आप बिजी हैं, ट्रैफिक में हैं, और आपको किसी का कॉल आ जाता है और आपसे कॉल नहीं उठाया जाता है, ठीक है, और आप जो है एक दो घंटे बाद जब ट्रैफिक से निकल जाते हैं या ऑफिस से आप निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद आप भूल जाते हो कि आपको किसका कॉल आया था और आप उस जो है उनको कॉल नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता चलता ही नहीं है, लेकिन आप भूल जाते हो। तो एक चीज़ का यूज़, एक ट्रिक का यूज़ आप कर सकते हैं ताकि जिसकी कॉल आपको आए उसका पता भी आपको लगता रहे, मतलब आपको अलर्ट करता रहे कि हाँ इस बंदे का कॉल या कि जिसका भी कॉल आया वो इस टाइम पे आया, और आपको एक बार कॉल करना चाहिए, मतलब आपको अलर्ट मिलना चाहिए यहाँ से। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रू कॉलर में थ्री लाइन यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो है सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जो है देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है रिमाइंड मी ऑफ मिस कॉल, ये आपका बंद होगा, इसे आप जो है देख लीजिएगा और इसे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद जब भी कोई मिस कॉल आपको आएगी तो आपको ये यहाँ पे ट्रू कॉलर नोटिफिकेशन में ऊपर शो होता रहेगा जब तक आपने कॉल नहीं की उनको। तो ये आपको जो है एक रिमाइंड करेगा, अलर्ट करेगा कि आपको जो है ज़रूरी कॉल आया या किसी का भी कॉल आया। ये ऑप्शन, ये ट्रिक आपको यूज़ करना चाहिए। और तीसरी ट्रिक भी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और ख़तरनाक है। और तीसरी ट्रिक ये है कि जब भी आपके कोई अनजान व्यक्ति कॉल करे आपको और उस व्यक्ति को आपकी ट्रू कॉलर की प्रोफाइल पता ना चले कि आपका नाम क्या है और आपकी लोकेशन क्या है या जो भी आपकी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर ट्रू कॉलर में, वो उनको पता ना चले, तो ये कैसे करना है, इस ट्रिक का यूज़ हम ट्रू कॉलर में कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए मैं आपको बताते देता हूँ। यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे गाइस आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको प्राइवेसी सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है,
और यहाँ पे आपको हु कैन सी माई ट्रू कॉलर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाई मी, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो अब जो भी आपकी प्रोफाइल देखना चाहता है ट्रू कॉलर में या नंबर डाल के, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं वो पता लगाना चाहते हैं ये कौन है, कोई कोई झूठ बोल देता है कि मेरा नाम ये है वो है, तो अगर आप चाहते हैं अपनी प्रोफाइल किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाय मी, तो कोई भी अगर जानना चाहते हैं आपकी प्रोफाइल को वो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, जब आप यहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे तभी वो आपकी प्रोफाइल को जान पाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है जो कि आपको ट्रूकॉलर में यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों चौथी जो ट्रिक है ट्रू कॉलर की वो भी बहुत ही कमाल की है, और वो ये है कि जब भी आप जो है अपने ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे दोस्त क्या कर देते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मेरे को अब ट्रू कॉलर यूज़ नहीं करना है, वो यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं और ये सोचते हैं कि अब उनकी यहाँ पे जो है कोई भी डिटेल किसी को दिखाई नहीं देगी, तो दोस्तों वो गलत फहमी में रहते हैं, ठीक है। इस ट्रिक का आपको यूज़ करना है, अगर आप अपने मोबाइल से कभी भी ट्रू कॉलर को जो है डिलीट कर देते हैं तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं मेरी इंफॉर्मेशन कोई भी जान नहीं पाएगा इस नंबर की क्या है क्या नहीं है, जो भी इस सिम से रिलेटेड है, जो भी आपने प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन किया होगा ट्रू कॉलर में, तो वो प्रोफाइल तब तक दिखाई देगी सभी को, अननोन नंबर को, सभी को, जो जिसको भी होगा सबको दिखाई देगी जब तक आपने यहाँ से जो है सारी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं की, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा होता है ना वो ट्रूकॉलर के सर्वर पे सेव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको यूज़ नहीं करना है ट्रूकॉलर तो आपको इस चीज़ का यूज़ इस ट्रिक का यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं पूरी इंफॉर्मेशन अपनी यहाँ से तो आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आपको प्राइवेसी सेटिंग पे क्लिक करके सबसे नीचे आपको डीएक्टिवेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट बाय डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट योर डाटा विल बी डिलीट, तो यहाँ पे डू यू विश टू कंटिन्यू, तो यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा डेटा आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा, कोई भी आपकी प्रोफाइल नहीं देख पाएगा क्योंकि आपने यहाँ से पूरा डेटा यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, मैं मिलूंगा दोस्तों आपको एक नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।